जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। दिल्ली में गर्मी है वातावरण में, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मौसम बड़ा गर्म हो गया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक गर्मा खबर खोलती हुई उबलती हुई सूचना आई है आपको लिए। गर्मा गर्म हो रही है भाषण प्रतियोगिता, जिसमें नामांकन की या रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है कल, यानी कि 9 अक्टूबर। यदि आप भी होना चाहते हैं इस प्रतियोगिता में शामिल, और आप चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आप इसमें तो भी हो सकते हैं शामिल। बस केवल 3 शर्तें हैं, बड़ी छोटी छोटी सी भाषण प्रतियोगिता। और इसके साथ साथ एक और हो रहा है युवा संवाद कार्यक्रम, 2 इवेंट हैं, दोनों में हो सकते हैं प्रतिभागी। किस प्रकार से या किसी एक में, नियम आगे बताऊँगा। 3 कंडीशनों से पहली कंडीशन ये है कि आप UG या फिर PG यानी कि स्नातक और प्रास्नातक के विद्यार्थी होने चाहिए। मैन हो, विमेन हो या ट्रांसजेंडर हो, इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा कि आपकी जो आयु है, आपकी जो एज है, 29 यानी कि 29 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तीसरी बात, आप यदि 12th में हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 12th में पास कर चुके हैं और आपका एडमिशन हो गया है 1st ईयर में, तो आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें नामांकन करवा सकते हैं इस भाषण प्रतियोगिता में और साथ ही साथ युवा संवाद कार्यक्रम में। 2 बड़े ही सिंपल से विषय हैं, उसमें होना है शामिल। और एक और बात, किसी प्रकार का नामांकन शुल्क नहीं है जा प्रतियोगिता में, ठीक है बाबू। और अब आते हैं नियमावली पे। 9 अक्टूबर रात्रि 11:59 यानी कि कल 9 अक्टूबर है, आज 8 अक्टूबर है, और आज मुंशी प्रेमचंद का नाम जानते हैं आप सभी बच्चे लोग, जानते होंगे, पढ़ा होगा कभी ना कभी उनका कोई रचना, कोई कहानी, कोई नाटक, कोई उपन्यास, कोई आलोचना। आज मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि है, उनका मृत्यु दिवस है, उनको याद कर लीजिएगा। हमारे धनपत राय, सोजे वतन के लेखक, गोदान के करेक्टर, ठीक है। चलिए, वो एक दूसरी बात थी। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है ARSG कॉलेज, जिसका नाम है, पूरा इन शॉर्ट में नहीं फुल बताते हैं, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, ठीक, दिल्ली के साउथ कैंपस में है, दहलाकों के नज़दीक में है, मेट्रो बस सर्विस सब अवेलेबल है, जाइएगा। और ये प्रतियोगिता ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से हो रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता का कुछ डिफरेंट इस बार करवाया गया है। 2 प्रतियोगिताएं हैं, दोनों में आप शामिल नहीं हो सकते हैं, पहली बात, किसी एक में ही शामिल हो सकते हैं। यदि आप दोनों प्रतियोगिताओं के लिए नामांकन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपका नामांकन कैंसिल यानी कि रद्द कर दिया जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। आप, मैं बोल रहा था, हाँ, फॉर्म का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ़ोन नंबर भी दे देंगे आपको हेल्पलाइन के लिए, कुछ जानकारी लेनी हो तो ले लीजिएगा। और मेरा कोई निजी रूप से इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से हम पास आउट हैं, प्रतियोगिताएँ वगैरह आप नहीं करते हैं, निर्णायक वगैरह कभी कर लेते हैं, आपको हम पुरस्कार राशि बता देते हैं। पुरस्कार राशि इसमें जो भाषण प्रतियोगिता है उसकी रखी गई है, तृतीय पुरस्कार 1000 का है, दूसरा यानी कि द्वितीय पुरस्कार 2000 का है, और प्रथम पुरस्कार 5000 रुपये का, ये नगद आपको दिया जाएगा प्रमाण पत्र के साथ में। जो युवा संवाद कार्यक्रम है उसके पुरस्कार राशि थोड़ी क्लियर मुझे भी नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर से आप लोग बात कर लीजिएगा, ठीक है। अभिषेक जी जो इसके अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बात हुई है, ठीक है, अभिषेक जो इसके अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ज़्यादा क्लियर उन्होंने भी नहीं किया, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, आप सुन लीजिए विषय। और दूसरी बात, एक और बात, कि बात पहली हो दूसरी हो इग्नोर करिए, बात पर फोकस रहिए आप सभी बच्चे, कि हिंदी में होनी है भाषण प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता में शामिल होने का पहला चरण है आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ और करना होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन से, आपका कसम, ये मेरी दोस्त का, मेरी बहन का फ़ोन है, आपको मोबाइल फ़ोन से अपना एक वीडियो शूट करना है 2 मिनट का, और वीडियो शूट करने हैं और एक विषय पर आपको भाषण देना है, और भाषण को शूट करने के बाद आपको अपलोड करना है। जब आप फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरेंगे, वहाँ आपको अपना वीडियो अपलोड करना होगा। लेकिन वीडियो शूट करने के कुछ नियमावली, कुछ कानून है, तरीके हैं, उसको समझ लीजिए। अपने फ़ोन को ऐसा मत रखिएगा, ठीक, ऐसा रखिएगा, ऐसा रख लीजिए फ़ोन को, ऐसा या ऐसा मत रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा रख के फ़ोन को शूट करते हैं अपलोड होने में, या फिर वो क्लियरिटी ठीक से नहीं आती है और ठीक भी नहीं है, ऐसे रखिएगा, लैंडस्केप में ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। 2 मिनट का एक वीडियो शूट करना है आपको, ठीक है, और शूट करने के बाद में, और दिए गए विषय पर आपको भाषण देना है, मैं विषय आपको बताऊँगा आगे। वीडियो शूट, 2 मिनट का वीडियो शूट करिएगा, और जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ आपको अपलोड करना है, ठीक है।
ये था भाषण प्रतियोगिता का नियम। लेकिन अगर आपको युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होना है उसका भी नियम लगभग सेम ऐसा ही है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, 2 मिनट का आपको उसमें भी एक वीडियो शूट करना है अपने फ़ोन से, अपने फ़ोन से कर लीजिए, अपने किसी दोस्त के फ़ोन से कर लीजिए, किसी कैमरे से कर लीजिए, DSLR से कर लीजिए, जिसे भी करना है कर लीजिए, एप्पल से कर लीजिए, एक 2 मिनट का वीडियो शूट करिएगा और फॉर्म भरते हुए आपको उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। पहला स्टेप वीडियो बनाना है दिए गए विषय पर जो आपको आगे बताएंगे, दूसरा स्टेप है फॉर्म भरना है, तीसरा स्टेप है फॉर्म के अंदर अपनी सारी जानकारी भरनी है, वीडियो को अपलोड करना है, आप किस कॉलेज से हैं, इंस्टीट्यूट से हैं, यूनिवर्सिटी से, वो सब बताना है। और जब आपका वीडियो वहाँ पहुँच जाएगा कमेटी आपके वीडियो की जाँच करेगी, देखेगी, परखेगी, तब आपका चयन होगा अंतिम राउंड के लिए, ठीक है। और जब आपका अंतिम राउंड में चयन होगा तब आपको विश्वविद्यालय प्रांगण में जाकर अपने विषय पर अपनी बातों को रखना है डिटेल में। जो बातें आपने वीडियो में कही हैं उन बातों को भी रख सकते हैं, उसमें कुछ नया जोड़ना है उसको भी जोड़ सकते हैं, कुछ बातों को काट छाट करनी है वो भी कर सकते हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। लेकिन विषय आपका चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। लगभग 7 तारीख को मुझे खबर मिली थी, 6 अक्टूबर को खबर मिली थी, माफ़ कीजिएगा, 6 को खबर मिली थी, सोचा वीडियो 7 को बना दे लेकिन कुछ समस्याएँ हो गई तो 8 को वीडियो दे रहे हैं और 9 को लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये तो वीडियो के मैंने तरीके आपको बता दिए, हिंदी में है, विषय सुन लीजिए अब आप। कुछ नियमावली और क्या है इसमें, हाँ, जो भाषण प्रतियोगिता है उसके लिए कहा गया है कि कितने भी नामांकन कर लीजिए, 100 बच्चे आ जाएँ, 200 आ जाए, लेकिन आपके 100 वीडियोज़ में से यूनिवर्सिटी या कॉलेज केवल 10 बच्चों का चयन करेगा जो फाइनल राउंड में अपनी बातों को रखेंगे कॉलेज में जाकर। तो टफ कंपटीशन तो होगा। मान लीजिए 500 बच्चों ने नामांकन करवा दिया भाषण में, 500 बच्चों ने वीडियो भेजा, लेकिन सिलेक्शन केवल 10 बच्चों का ही होगा जो विश्वविद्यालय परिसर में जाकर अपना वक्तव्य रख सकेंगे, प्रस्तुत कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, जब आप विश्वविद्यालय में जाएंगे भाषण प्रतियोगिता के लिए तो विश्वविद्यालय की भाषण प्रतियोगिता का जो समय सीमा है वह है 7 मिनट। क्या है? 7 मिनट उसकी समय सीमा है। और भाषण प्रतियोगिता और जो 2 मिनट का वीडियो शूट करेंगे भाषण के लिए उसका विषय नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता। राष्ट्रीय एकता और एकजुटता यह विषय है भाषण प्रतियोगिता का, 2 मिनट के वीडियो वाला भी, और जब आपका सिलेक्शन फाइनल होगा तो 7 मिनट का जो वक्तव्य मिलेगा उसके लिए भी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल ये भाषण प्रतियोगिता है तो टीम में जाने की जरूरत नहीं है, सिंगल जाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी से कितने भी बच्चे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एज का बाउंडेशन है 29 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मेल फीमेल सभी के लिए। और बाकी बातें आपको मैं कुछ नोटिफिकेशन दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब आते हैं युवा संवाद कार्यक्रम पे, इसके अंदर भी सेम 2 मिनट का वीडियो बनाना है दिए गए विषय पर जो आपको आगे बताएंगे, और वीडियो भेज देना है, अपलोड करना है। अपलोड करने का विश्वविद्यालय 20 बच्चों का चयन करेगा अपने कॉलेज में बुलाकर अपने वक्तव्य को रखने के लिए। भाषण प्रतियोगिता में 10 बच्चे रहेंगे और युवा संवाद में 20 बच्चों का चयन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता भी पूर्णतः हिंदी में ही है, अंग्रेजी में नहीं है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और द्वितीय चरण के सर्वश्रेष्ठ 4 प्रतिभागियों को, यानी कि जो 20 बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो 20 बच्चे सिलेक्ट होंगे युवा संवाद कार्यक्रम के लिए, उसमें से जो टॉप 4 के बच्चे रहेंगे उन सभी को 1500 रुपये का नगद पुरस्कार प्लस प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब ये प्राइज मनी है, सहयोग राशि है, सांत्वना राशि है या प्रोत्साहन राशि है, कुछ भी समझिए, इसमें ऐसा कहा गया है, ठीक है। भाषण प्रतियोगिता के अलावा जो युवा संवाद कार्यक्रम है उसका विषय नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा विषय है, आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया 24/7। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत 2047, यानी कि इस आज़ादी के, क्योंकि 2047 में भारत को 100 साल हो जाएंगे स्वतंत्र हुए, राजनीतिक स्वतंत्रता के मिले 100 साल हो जाएंगे, तो आप कैसा देखते हैं भारत का विज़न, ये आपको स्पष्ट करना है अपने वक्तव्य के दौरान, अपने कौशल से और अपनी संवाद शैली से। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो वीडियो बनाएंगे ना आप 2-2 मिनट का भाषण और युवा संवाद के लिए, विषय चेंज नहीं होगा, इस बात को चौथी बार आपको रिपीट कर रहे, नहीं तो आपको लगे कि विषय कहीं ना कहीं अलग होगा। जिस विषय पर वीडियो बनाएंगे उसी विषय पर आपको अपना वक्तव्य रखना है फिजिकल मोड पर विश्वविद्यालय में जाकर। आने का, जाने का, रहने का, खाने की व्यवस्था आपको सेम करनी होगी, ठीक है। और प्रतिभागिता प्रमाण पत्र सभी को दिया जाएगा जो बच्चे सिलेक्ट होंगे। और बाकी बातें आप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो हैं, शैली है, अभिषेक हैं, और आराधना अध्यक्ष है, अभिषेक उपाध्यक्ष है, शैली राजपूत उपाध्यक्ष दूसरी है, इनसे आप बातचीत कर लीजिएगा। बाकी जानकारी विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगी। ARSD के हमारे एक मित्र हैं, दिग्विजय उनका नाम है, उनका भी एक फेसबुक पेज है तर्क ज्ञान, उनके पेज पर मिल जाएगी। मेरा फेसबुक अकाउंट है, वहाँ पर भी शायद मिल जाएगी,
और उनका एक वीडियो आया है, उसको भी देख लीजिएगा तर्क ज्ञान के चैनल पर। और ये मेरा वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। मेरे से कोई सवाल हो, आपका कोई डाउट हो, जिज्ञासा हो दिए गए विषय को लेकर, नियमावली को लेकर, किसी और कन्फ्यूजन को लेकर, पहली बार, और एक बात और, एक बात और भूल गया, आपका यूजी या पीजी यदि रेगुलर माध्यम से है किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय से तो ही शामिल हो सकते हैं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आपकी यूजी या पीजी चाहे डिस्टेंस से हो, चाहे रेगुलर से हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे फुल टाइम हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे स्टेट से हो, या डीम्ड से हो, या को हो, इंडिया के किसी भी राज्य से हो, किसी भी केंद्र शासित राज्य से हो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, शामिल हो सकते हैं। इन बातों का ख्याल रखें क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, शामिल होइए, विश्वविद्यालय का सानिध्य आपको मिले, आपके परिवार का सानिध्य मिले, आपकी पुस्तकों का ज्ञान का लाभ आप ले सकें, आपके परिवार के सदस्य, आपके शिक्षकों का, शिक्षकों को कहिएगा मेरा चरण वंदन, मेरा जय हिंद सलाम। और पुनः 8 अक्टूबर है, भारतीय वायुसेना दिवस है, उसकी बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। किसी ने कहा था ना, जय जवान जय किसान जय हिंद।